हम लोग रियल नंबर पढ़ रहे थे, हमने पिछली क्लास में हमने एचसीएफ के बारे में पढ़ा था। आज हमारा एचसीएफ खत्म हो रहा है, आज हम चल रहे हैं फैक्टराइजेशन ऑफ नेचुरल नंबर। प्राइम नंबर, अब जो लोग जानते हैं प्राइम के बारे में, प्राइम नंबर क्या होते हैं? ये एक नेचुरल नंबर होते हैं, ये ग्रेटर देन वन, और ये क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं, और डिविजिबल, और इनका डिविजर क्या होता है? इनका डिविजर होता है ओनली वन एंड एन इट्सेल्फ। जैसे टू इक्वल्स वन इंटू टू ओनली, थ्री इक्वल्स वन इंटू थ्री ओनली, वन इंटू फाइव, सेवन इक्वल्स वन इंटू सेवन, एट नाइन नहीं होगा, एट भी नहीं होगा, नाइन भी नहीं होगा, थ्री से डिवाइड हो जाता है, टेन अलेवन हो जाएगा। तो ये सब क्या होते हैं? प्राइम नंबर होते हैं, जिसका डिविजर सिर्फ होता है वन एंड एम, या फिर जाना प्राइम नंबर के बारे में। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कंपोजिट नंबर, व्हाट इज कंपोजिट नंबर? एवरी कंपोजिट नंबर हैज अ डिविजर, इसका एक डिविजर होता है अदर देन वन एंड एन, जो लाई करता है, ये जो डिवीजर है ये लाई करता है, वन से बड़ा होता है और एन से छोटा होता है, इसके बीच में लाई करता है, वन और एन के बीच में लाई करता है। जैसे टू इज अ डिवीजर ऑफ फोर, तो कुछ नंबर ले दें, 104, ये आ जाएगा 8 इंटू 13, 4 इंटू 26, 2 इंटू 52, तो ये कंपोजिट नंबर हो गया। एक ले ले 397, ये किसी से मल्टीप्लाई नहीं होगा, किसी से डिवाइड नहीं होगा, 397। इसके कुछ रूल्स होते हैं कि जैसे लास्ट नंबर अगर 2, 2, 4, 6, 8 है और 0 है वो 2 से डिवाइड होता है, 3 का है तो इन तीनों का सम करते हैं, अगर इन तीनों का सम 3 से डिवाइड होता है तो वो 3 से डिविजिबल है। इसी तरह से 4, 5, 5 में कि 0 और 5 रहता है, 6 का होता है कि 2 और 3 से डिविजिबल, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगी, आप देख लेना, ठीक है, कि वो किससे डिवाइड होगा, कोई बड़े बड़े नंबर्स होते हैं तो 2, 3, 4, 5 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, इसका एक अलग नियम होता है। तो ये देखिए 7 है लास्ट में तो 2 से नहीं होगा, 3, 9, 12, 7, 19, 9 तो 19, 3 से डिवाइड नहीं होता, 3 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 5 से 7 है, 0 और 5 नहीं है, 5 से भी नहीं होगा, ये किसी से डिवाइड नहीं होगा, तो 1 into 397। ये 398 ले लें तो ये इवन नंबर है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ कि हमने लिया था 397, ये 397 है, 397 इज प्राइम नंबर। कि किसी और से डिवाइड नहीं होता, सिर्फ वन से और इटसेल्फ, और ये जो 398 है ये क्या है, ये कंपोजिट नंबर है, ये डिविजर है अदर देन वन एंड एन, टू से डिविजर है, 199 का डिविजर है, राइट। अब डिकम्पोजिशन ऑफ कंपोजिट नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर, तो डिकम्पोजिशन हम लोग देख लेते हैं ऑफ कंपोजिट नंबर। जैसे 10 है, 2 into 5 हो जाएगा,
ट्वेल्व है, टू इंटू टू इंटू थ्री हो जाएगा एंड सो ऑन। नाउ एग्जांपल लेते हैं 3 2 7 6 0, इसको कैसे करेंगे, इसका सिंपली एलसीएम निकालते हैं 1 6 3 8 0 एलसीएफ, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल 8 1 9 0, फिर जीरो है तो टू से डिवाइड होगा 4 0 9 5 राइट। अब इसको सम करते हैं 9 14 4 18 18 है तो ये 3 से डिवाइड होगा, 3 से आ जाएगा 1 3 6 5 राइट, 6 4 10 15, फिर 3 से डिवाइड होगा अगेन 4 5 5, अब ये 3 से नहीं होगा 5 5 10 7 14, 4 नहीं 5 से अब डिवाइड होगा 91, 10 3 नहीं 4 नहीं राइट, अब ये डिवाइड हो जाएगा 7 से, 6 नहीं आएगा 7 से 13, 13 क्या है, 13 इज अ प्राइम नंबर, तो इसका फैक्टराइजेशन क्या हो गया 3 2 7 6 0 इक्वल्स 2 की पावर 1 2 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 7 इंटू 13। तो अगर हमें कोई इसका फैक्टर ट्री बनाने को कहे, इसका फैक्टर ट्री होगा 3 2 6 3 8 0, तो ये इधर जाएगा 2 8 1 9 0, फिर इधर आ जाएगा 8 1 9 0 2 0 9 5, 3 1 3 6 5, फिर आ जाएगा 3 5 5 5 9 1 7 एंड 13, ये क्या हो गया फैक्टर ट्री हो गया राइट। ये लगता है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इस चैप्टर से, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे मैसेज बॉक्स में ला के पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन है कि शो दैट 17 × 41 × 43 × 61 + 43 इट इज अ कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर के लिए अब मान लेते हैं एक्स है इसकी वैल्यू 17 × 41 × 43 61 + 43, हमने दोनों से 43 कॉमन ले लिया, क्या बचा इंटू 41 × 61 + 1 43 इंटू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप आएगा 4 2 5 1 7, 43 × 4 2 5 1 8, चूँकि ये इस नंबर का एक डिवीजन आ रहा है 43, और 43 की वैल्यू क्या है 1 से ज़्यादा है और x से कम है, इसलिए ये नंबर, सो इट इज अ कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर राइट। मुझे नहीं लगता है कि इस चैप्टर में आपको कोई परेशानी आएगी, अगर आती है आप मुझसे पूछिए, आई एम ऑलवेज प्रेजेंट। राइट, हाँ एक क्वेश्चन दे रही हूँ, सर्कुलर फील्ड हैज अ सर्कमफेरेंस ऑफ, सर्कमफेरेंस सी आ गया 360 किलोमीटर, टू साइकिलिस्ट आए सुमित एंड जॉन स्टार्ट टुगेदर एंड साइकिल चला रहे हैं, सुमित की स्पीड हो जाएगी, ये स्पीड है 12 किलोमीटर पर आवर एंड जोहान, एक जोहान है उसकी स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर, तो वो पूछे आफ्टर हाउ मेनी आवर्स विल दे मीट अगेन, स्पीड स्टार्टिंग पॉइंट स्पीड नंबर ऑफ आवर्स
तो सुमित को नंबर ऑफ आवर्स कितने लगेंगे फॉर कंप्लीट वन राउंड, कंप्लीट वन राउंड 360 सर्कमफेरेंस से 12 किलोमीटर पर आवर की से जाता है, तो ये 30 आवर्स लगेंगे किसको, सुमित को। नंबर ऑफ आवर्स और कंप्लीट वन राउंड। मम्मा छत पे जाने का अच्छा टाइम है, आप जा सकते हैं जो। हाँ मैं आ रही हूँ। 360 और ये 15 किलोमीटर पर आवर्स की से जा रहा है 24, इसलिए वन राउंड को कंप्लीट होने में इसको 30 आवर्स लगेंगे, इसको 24 आवर्स लगेंगे। अब हम 30 और 24 का एलसीएम ले लें, तो 30 इक्वल्स क्या आएगा 2 × 3 × 5 और 24 आ जाएगा तो एलसीएम क्या आ जाएगा इनका 2 × 3 × 3 × 5 120, इसलिए ये एक दूसरे से आफ्टर 120 आ रहा है, वो मिस करेंगे। थैंक यू आप, ओके। इसके आगे आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप उसे मैसेज बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।